Friends, welcome to the Career Defense School classes. So my name is Megha and today I'm here with you and I'm sharing the answer key for the RIMC 2023 exam. It is for math subject. So we are doing the part A here. Question number first. Compare the fractions x is equal to 111,110 divided by 111,111. Aise y ki value given hai aur z ki value given hai aapko. And you have to arrange them in the ascending order. तो ascending order में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Increasing order में इसको आपको convert करना है. Ascending means increasing order. So increasing order will be small to big. So first we have to change the fraction. We will check the difference between the numerator and the denominator. देखिए जो difference है numerator और denominator के बीच में वो difference आपका कितना है? 1. और नेक्स्ट वाले वाई के केस में अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 2 एंड जेड के केस में देखें तो डिफरेंस बिटवीन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3. तो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उससे आपको क्या करना है, न्यूमिरेटर को डिवाइड कर देना है. तो हम एक्स की केस में अगर बात करें तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से. तो अगर हम किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हैं वी विल गेट द सेम आंसर. सो x की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी 111110. ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है तो 222221 इट इज डिवाइडेड बाय 2. सो योर आंसर विल बी 111 10.5. ठीक है, ये 2 की एक्स्ट्रा की वजह से 1 की 0.5 आ जाएगी वैल्यू. तो y की वैल्यू आ जाएगी ये. ऐसे ही आप सिमिलरली z को डिवाइड कर लेंगे. Z में आपको 333331 को 3 से डिवाइड कर देना आपको. तो 333,331 इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3. सो द आंसर विल बी 111110.33 बिकॉज 1/3 इज कम्प्लीटली नॉट डिविजिबल, इट इज 0.33 एंड 1 को जब हमने 2 से डिवाइड किया था तो इसका लास्ट में आना चाहिए था 0.5. तो देखो 0.5 0.33. अब आप चेक कर सकते हैं कौन सी वैल्यू आपको छोटी नजर आ रही है और कौन सी बड़ी. तो द स्मॉलर वैल्यू इज एक्स देन जेड देन वाई. सो एक्स विल बी लेस देन एंड जेड विल बी लेस देन वाई. तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी एक्स, फिर उससे बड़ी आपकी जेड, फिर सबसे बड़ी आपकी वाई. तो एक्स इज स्मॉलर देन जेड एंड जेड इज स्मॉलर देन. तो इसका आंसर आपको ऐसे भी लिख सकते हो और अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो y इज ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन देयर डेसिमल नोटेशन एंड व्हिच आर नॉट. वो कह रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो कौन सी वैल्यू फुली टर्मिनेट हो जाती है. टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना. जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी. जैसे कि अगर हम 4 की बात करें तो 4 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. ठीक है, अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 2 4 एंड 2 5 10, तो 2.5 आ जाते हैं. मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. तो कम्प्लीटली जो डिवाइड हो जाएगा दैट इज टर्मिनेटिंग एंड जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग. और क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी नहीं है. फॉर द नंबर्स दैट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेस द नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं नंबर्स तो इनको टर्मिनेट डेसिमल जो है आपको इनका बनाना है. तो हम ए पार्ट से करेंगे. 73,248 है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 1500 से. तो हम इसको 1500 से डिवाइड करेंगे पहले. डिवाइड करना है इसको आपको 1500 से. तो आप इसको ना ऐसे डिवाइड करने की जगह आप इसको ऐसे इजीली कट भी कर सकते हो. तो 1500 है, आप इसको पहले 3 से कट कर लो. 3 5 15 00 आ जाएगा और 3 2 6 होता है आपका एंड यहाँ पे आएगा 13. तो 3 4 12, फिर 3 4 12, 3 1 3, 3 6 18. तो 2 4 4 16 आएगा. अगेन आप इसको 5 से डिवाइड कर लो तो 5 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा आपका 100.
और 5 4 20, 5 8 40, 5 8 40, 5 3 15, 5 2 10, तो 4883 डेसिमल्स 2 आ जाएगा आपका। अब देखिए इसके डिवाइड में भी आपका 100 आ रहा है, तो आपको डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशंस तक, तो इसका आंसर आएगा 48.83। तो ए पार्ट का आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट करेंगे। 426 डिवाइडेड बाय 64, कट करेंगे इसको आप, पहले आप इसको 2 से कट कर लो, तो 2 से कट करने पे आपको मिलेगा 32। तो फिर 2 से कट करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, तो 213 बाय 32 आ गया। और फिर दोबारा से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर सकते हो या फिर 8 से कर सकते हो, तो 8 4 32, 8 2 16, एंड यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा, तो 53 बचेगा। तो 213 आप इसको 8 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 8 2 16, एंड 8 8 64 होता है, 8 7 56, 6 पे कट हो जाएगा ये, 8 6 48, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। नाउ वी विल ब्रिंग डाउन 0 एंड 8 6 48, तो 26.625 आ जाएगा यहाँ पे। अगेन वी विल कट बाय 4, तो 4 से कट करेंगे, 4 6 24 होता है यहाँ पे, और 26 बनेगा, फिर दोबारा से आपका 6 आ जाएगा, तो 6.6525 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा यस, दिस इज टर्मिनेटिंग। और इसकी टर्मिनेटिंग आप वैल्यू बता दीजिए। नेक्स्ट सी पार्ट, 1 2 3 4 5 6, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 125। तो सी ऑप्शन है आपका, इसको भी आप कट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 है ये, तो 125 से डिवाइड करना है, तो हम पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, फिर अगेन 5 से डिवाइड कर लेंगे, जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 2 10, 5 4 20, तो 2 4 आगे आ जाएगा, 6 9 1 डेसिमल 2। अगेन आप इसको फिर 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 4 20 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 5 4 20, 5 9 45, 1 बचेगा, फिर 19 बन जाएगा ये, तो 5 3 15 पे कट हो जाएगा, फिर 4 और 1 41, तो 5 8 40, एंड डेसिमल 5 2 10, 5 4 20, तो 4 9 38 डेसिमल 2 के। अगेन फिर वी विल कट बाय 5, फिर दोबारा से 5 से कटिंग करेंगे, तो 5 9 45, 5 8 40, 5 7 35 डेसिमल, फिर आपका आ जाएगा 5 6 30 पे कट हो जाएगा ये, और फिर अभी 2 और 4 24 फिर बचेगा, तो 5 4 20 एंड 5 8 40, तो 987.648 इसका आंसर आएगा आपका ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टू डिफरेंट नंबर्स एक्स एंड वाई नोट नेसेसरीली द इंटीजर्स, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 2000x इज इक्वल टू वाई थाउजेंड और वाई स्क्वायर माइनस 2000y। There are two different numbers हैं x और y, जो कि जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स होंगे, बट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2000x जो है वाई स्क्वायर माइनस 2000y के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, और जो 2000 वाली वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड पे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2000x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2000y। नाउ ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और 2000x जो है राइट हैंड साइड को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। नाउ वी विल टेक कॉमन 2000, तो 2000 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई,
और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम आइडेंटिटी का यूज करें तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। देखो एक्स माइनस वाई दोनों साइड पे आ रहा है, दिस विल बी कट कैंसल आउट, सो एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2000। और क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, आपको सम निकालना था एक्स एंड वाई का, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 2000, सो द राइट आंसर विल बी 2000। अच्छा नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन, कह रहा है एक फैमिली जो है चार, एक परिवार में चार व्यक्ति हैं, यदि माशा की छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी जाए, माशा स्कॉलरशिप अगर डबल कर दी जाती है, तो टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज इंक्रीज बाय 5%, एंड इफ इंस्टेड मदर सैलरी इज डबल द फैमिली इनकम विल बी इंक्रीज 15%। कि अगर उसकी मदर की सैलरी को डबल किया जाता है तो फैमिली की इनकम 15% ग्रेटर हो जाती है, एंड फादर की सैलरी को डबल किया जाता है तो फैमिली की इनकम जो है 25% ग्रो कर दी जाती है। एंड आपको बताना है बाय व्हाट परसेंट विल बी द फैमिली इनकम ग्रो इफ ग्रैंडपा पेंशन इज डबल, अगर ग्रैंडपा की पेंशन डबल हो जाती है तो बताइए उनकी फैमिली की जो इनकम है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा पहले। तो टोटल इनकम ऑफ द फैमिली को आप लेट कर लेंगे, पहले 100x लेट कर लेते हैं, या 100 भी लेट कर सकते हो, 100% कुछ भी आप लेट कर सकते हो। तो लेट एज्यूम द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज 100%, तो देखिए हर किसी के इंक्रीज होने से फैमिली की इनकम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ रहा है। तो एक चार्ट क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे मेंबर्स के नेम, फिर उनकी इनकम, फिर इनकम में अगर डबल कर दी जाती है तो कितनी हो जाती है, फिर नेट इंक्रीज इन इनकम जो बोल रहे हैं ना कि 5% का इंक्रीज आ रहा है, 10% का आ रहा है, फिर इंक्रीज इन परसेंटेज। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम, नहीं पहले मेंबर्स नेम लिख लेंगे, पहले लिखते हैं मेंबर्स कौन कौन से, फिर उनकी इनकम लिख लेंगे। अब उनके इनकम अगर डबल कर दी जाती है तो इनकम डबल, नेट इंक्रीज इन इनकम एंड उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीज इन परसेंटेज, की परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा। ठीक है चलिए, फर्स्ट मेंबर आप ले लेते हैं माशा को, ठीक है माशा, फिर ले लेते हैं उसकी मदर को, फिर उनके फादर और फिर उनके ग्रैंडपा। देखो पहले उनकी इनकम को हमने ए बी सी डी लेट कर लेते हैं, अगर इनकम डबल होगी तो ये कितनी हो जाएगी 2A, ये हो जाएगी 2B, ये हो जाएगी 2C और ये हो जाएगी 2D। तो इंक्रीज कितना आया, देखो A से 2A हो गई इनकम, तो इंक्रीज कितने का आया, A का। ऐसे ही 2B में से अगर B माइनस करेंगे, देखो आप यहाँ पे करके भी दिखा सकते हो, 2A माइनस A इज इक्वल टू A एंड 2B माइनस B इज इक्वल टू B, 2C माइनस C इज इक्वल टू C एंड 2D माइनस D इज इक्वल टू D। तो इंक्रीज इन परसेंटेज कितना आया, देखो A, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंक्रीज इन परसेंटेज जो है 5% इंक्रीज आता है, और अगर मदर की होती है तो 15% का इंक्रीज आता है, फादर की होती है तो 25% का इंक्रीज आता है, और ग्रैंडपा की होती है तो आपने बताना है कि कितना इंक्रीज आएगा, मीन दिस क्वेश्चन मार्क वैल्यू इज वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है जी, नाउ टोटल इनकम जो है आपकी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है,
हम यहाँ पे लिख लेंगे टोटल इनकम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एक्चुअल में दे रखी है आपको कितनी है टोटल इनकम, 100% रखती है हमने। तो ए में तो 5% है, बी की वजह से 15% का इंक्रीज आया, सी की वजह से 25% का इंक्रीज आया, और डी का आपको निकालना है। तो डी को आप डी ही लेट कर लेंगे, तो आ जाएगा डी प्लस 15 प्लस 5 होता है 20, 20 प्लस 25 45, एंड 100% ये 45 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो डी की वजह से आपको कितना इंक्रीज मिला है, 55%। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 55%। हम यहाँ पे लिख देंगे द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम इफ ग्रैंडपा पेंशन इज डबल, अगर ग्रैंडपा की पेंशन को पहले से डबल कर दिया जाए तो उनका इंक्रीज आएगा 55% टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा सा ब्लर है पिक्चर। रेफर टू द गिवन फिगर बिलो, द साइड सी बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड गिवन दैट सी ई इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 7 एंड गिवन दैट डी ई इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड फाइंड डी सी डी डी ई एंड डी बी। आपको इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। इसके बीच में आपका ना फिफ्थ क्वेश्चन एक मिसिंग है, एक फिफ्थ क्वेश्चन आपका मिसिंग है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपकी एक ट्रायंगल है, इसके बीच में आपका एक सर्कल है, इन सर्कल बोल सकते हैं आप इसको। इस पॉइंट को आप लेट कर लेंगे बी, इस पॉइंट को लेट कर लेंगे डी, इसको लेट कर लेंगे ई, और ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट जी है, और ये आपका पॉइंट सी है। यहाँ पे आपका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल आपका 20 डिग्री का बन रहा है, और ये एंगल भी आपका 20 डिग्री का बन रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है, एंगल बी आपको निकालना है, तो एंगल बी यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए अगर हम एंगल ए की बात करें तो 20 प्लस 20, एंगल ए जो है आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ही एंगल सी जो है 30 प्लस 50 आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स का जो सम होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपका 40 प्लस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो 100 में से अगर 180 में से हम 100 माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 80। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है आपका 180 डिग्री है, ये आपको 40 दे रखा है, एंगल सी आपको 60 दे रखा है, एंगल बी आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो एंगल बी को आप एंगल बी ही लिखा रहने देंगे, 40 प्लस 60 आपका कितना हो जाएगा 100। तो 180 में से 100 चला जाएगा, तो एंगल बी आपका आ जाएगा यहाँ से 100 इधर आएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 180 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो एंगल बी आपका आ जाएगा 80 डिग्री।
नेक्स्ट इसी का आपको बी पार्ट एक गिवन है। इसी में फिफ्थ में आपको एक पार्ट गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन। दैट पिक्चर वाज नॉट क्लियर, सो आई हैव नॉट एडेड इन टू द पीपीटी। दिस वाज वेरी ब्लर पिक्चर। दैट ये आपकी एक ट्रायंगल है, ये आपका जो इन सर्कल है। इस पार्ट को आप 10 - x लेट कर लेंगे, इसको x लेट कर लेंगे, बिकॉज ये पूरी साइड आपको 10 cm दे रखी है। ये पोर्शन आपको दे रखा है यहाँ पे b, यहाँ पे आपको दे रखा है x, और यहाँ पे आपको दे रखा है c, और ये पूरा पार्ट आपको 12 दे रखा है। तो इस पार्ट को आप 10 - x लेट कर लेंगे, क्योंकि ये और ये पार्ट आपका इक्वल होता है। तो 2 + x, ये और ये पार्ट इक्वल है, तो 2 + x, इन दोनों पार्ट्स को आपको x लेट कर लेना। इसको, इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे, डी पॉइंट नेम कर देंगे इसको, इसको आप ई नेम कर देंगे, ठीक है। और ये पूरी लाइन आपको जो बी सी गिवन है, ये आपको 8 cm गिवन है। अब देखिए रूल क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है। इस लाइन को अगर मैं देखूं तो ये क्या है आपका 8 cm। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी आपको 8 cm गिवन है, तो बी सी आया कैसे, बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस डी सी, इन दोनों से मिलकर आपका बी सी बना है। तो इसको अगर हमने एक्स लेट कर रखा है और इसको हमारा 2 + x है, तो ये सारा आपको किसके इक्वल आ जाएगा, 8 cm के। तो एक्स प्लस एक्स का आपका कितना हो जाएगा, 2x। एक्स प्लस एक्स 2 टाइम आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2x, और ये 2 जो है आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो 8 - 2 विल बी 6। सो 2x विल बी 6 एंड x विल बी इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 cm आ गई। आपको बी डी और बी ई निकालना था, तो बी डी एंड बी ई वो था 3 cm। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी डी एंड बी ई वो था 3 cm। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी 2 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 6 की भी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट स्टिल फिर भी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है, फिगर में ना आपको सी बी जो है डायमीटर ऑफ द सर्कल बोला है। तो सी बी जो है आपका डायमीटर है सर्कल का, और सी ई की वैल्यू आपको 3 गिवन है, एंड बी ई की वैल्यू आपको 7 गिवन है। तो यहाँ पे आपको 7 गिवन है, यहाँ पे आपको 3 गिवन है, तो 3 + 7 ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और ये वाली साइड आपको एक्स ले लेते हैं, और इस वाली साइड को आप वाई लेट कर लो, और ये जो आपकी ये वाली लॉन्ग लाइन है इसको आप जेड लेट कर लो, ठीक है जी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल प्रॉपर्टी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको, वो लग जाएगी इसमें। तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, 3² + z² इज इक्वल टू x²। देखो ये आपका x है ना, यहाँ पे आपका 3 है, तो z क्या आ जाएगा, यहाँ से z² + 3² इज इक्वल टू x², इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और यहीं से आप सेकेंड इक्वेशन का ज्यूम कर लो, z² + 7² इज इक्वल टू y²,
अगर हम दूसरी ट्रायंगल लें ये वाली, तो यहां से आपका आ जाएगा 7² प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट कर दो। और एक्स स्क्वेयर पूरी ट्रायंगल को अगर हम लें तो पूरी ट्रायंगल में 3 साइड है, एक एक्स, एक वाई और एक टेन। तो अकॉर्डिंग टू द फिर ट्रायंगल प्रॉपर्टी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 10 का स्क्वेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लो। ठीक है जी। अब यहां से बेटा देखेंगे, अगर हम 3 + z की बात करें तो एक्स स्क्वेयर हमारा 3 + z के इक्वल है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट 1 in 3, एक्स स्क्वेयर की जगह पे मैं 3² + z² पुट कर दूं, और वाई स्क्वेयर की जगह पे हम 7² + z² पुट कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 10² तो पुट 1, 2 in 3 ऐसे लिख दो, पुट 2 and 1 in 3 कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम किसमें पुट कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में। जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2 z² आ गया यहाँ से, और 2 z² इज इक्वल टू 10 का स्क्वेयर होता है 100। ये 7² भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा 49, और 3 का स्क्वेयर होता है आपका 9, तो ये भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 100 - 58 कर देंगे यहाँ से, 49 और 9 आपका 58। तो 2 z² इज इक्वल टू 100 - 58, तो 58 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 8 2, 9 - 5 4। तो 2 z² इज इक्वल टू 42। अगर जेड स्क्वेयर की बात करें तो 42 by 3, तो जेड स्क्वेयर यहाँ से आपका आ जाएगा 21। अगर जेड स्क्वेयर 21 है तो जेड कितना आएगा, √21, √21। जब हम स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड पे तो इधर से आपका जेड स्क्वेयर हट जाएगा और इधर स्क्वेयर हट जाएगा, तो जेड की वैल्यू तो आपकी आ गई कितनी, √21। अगर आप सेकेंड इक्वेशन में जेड की वैल्यू पुट कर दो तो आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो हम करेंगे पुट जेड इन इक्वेशन नंबर 2। तो जेड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 7² होता है 49, और √21 का स्क्वेयर करेंगे और ये इक्वल आ जाएगा किसके, वाई स्क्वेयर के। तो √21 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 49 + 21 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। 9 + 1 होता है 10, 50 + 20 70। तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू 20 है तो वाई आ जाएगा √70। देखो आपका जेड निकल गया √21, वाई निकल गया √70। अब ए वाई और जेड की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो हमारी जेड की वैल्यू निकल जाएगी, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें जेड की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो जेड दे रखा आपको 21, तो ये आ जाएगा 3 + √21 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। रूट से ये कैंसिल, तो 21 + 3 आ जाएगा 24, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 24 है तो एक्स आ जाएगा √24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी √। हाँ अच्छा 21 है, 3 का स्क्वेयर होगा 21 + 9, 21 + 9 30 आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर है ना यहाँ पे, तो 3 का स्क्वेयर आपका 9 तो 9 + √21 का स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर कैंसल, स्क्वेयर रूट कैंसल सॉरी, तो 9 + 21 आपका 30 आ जाएगा। तो 30 आपका एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है, अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 30 है तो एक्स आ जाएगा √30, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 30 तो एक्स आ जाएगा आपका √30। आपसे यही पूछा था कि तीनों की वैल्यूज निकालनी है, सी डी डी ई एंड डी बी की, तो इनकी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी √30, √70 एंड √21, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्चर इज आल्सो ब्लर गिवन दैट 56A इज इक्वल टू 65B बट स्टिल इट कैन बी रीड, वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स। कह रहा है 56A जो है जो वो 65B के इक्वल है, और ए एंड बी जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। प्रूव क्या करना है आपको कि ए प्लस बी जो होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखा है,
आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आपने एक इक्वेशन लेट कर ली कि 3p जो है वो 2q के इक्वल है, 3p जो है वो 2q के इक्वल है, और आपने क्या करना है, p जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का, तो 3p इज इक्वल टू 2q है, p मल्टीपल है किसका, 2 का, और q मल्टीपल है किसका, 3 का, सेम मल्टीपल ऑफ 3, और p को आप 2k लेट कर लो और q को आप 3k लेट कर लो फॉर सम वैल्यूज ऑफ k, कह रहा जैसे मैंने हिंट दिया है ऐसे आप इस क्वेश्चन में पुट करो और आप आंसर निकालो। तो हम कर लेते हैं जैसे उन्होंने बता रखा है, 56a इज इक्वल टू 65b, जैसे उन्होंने 3p को 2q के इक्वल लेट किया था ऐसे ही हम लेट कर लेंगे 56a इज इक्वल टू 65b। तो यहाँ से हम a और b का रेशियो अगर निकालना चाहें तो a आ जाएगा 65 का मल्टीपल और b आपका आ जाएगा 56 का मल्टीपल, और दोनों का सम निकालना है तो a प्लस b क्या होगा, 65k प्लस 56k, और 65 प्लस 56 करेंगे तो 121k, मतलब k की हम कुछ भी वैल्यू रखें लेकिन 121 तो साथ में ही आएगा, तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 121 का मल्टीपल, a प्लस b क्या आ जाएगा, 121 का मल्टीपल, यानी कुछ भी k की वैल्यू हो लेकिन 121 तो साथ में ही आएगा। तो आपको प्रूव क्या करना है कि a प्लस b जो है कंपोजिट नंबर है, तो बेटा देखिए जो 121 है वो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके हैविंग विच इज नंबर इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 121 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 121 अगर एक कंपोजिट नंबर है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे दैट आर आल्सो बी कंपोजिट नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ए प्लस बी इज अ कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि ये 121 का मल्टीपल है और 121 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज 121 इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आपको 8 मार्क्स में दे रखा है, सोचो आपको हिंट भी बता रखा है कि क्वेश्चन करना ऐसे है, अगर आपको पूरा मेथड भी बता दिया जाए और सेम क्वेश्चन आपको करने के लिए बोल दिया जाए, तो फ्री के मार्क्स हैं आपके 8 मार्क्स। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके भी पिक्चर आपकी ब्लर है। ब्रदर्स प्रेम एंड विश्व डिसाइडेड टू मेक अ फनी वीडियो एंड पोस्ट इट इन द इंटरनेट फर्स्ट, कह रहा दो भाई हैं एक प्रेम और एक विश्व, वो दोनों ना कोशिश यही करते हैं कि ना हम एक वीडियो बनाते हैं अपनी फनी वीडियो और इंटरनेट पर प्लेस करेंगे, तो उन्होंने दे फिल्म हाउ मच ऑफ देम वॉक्ड फ्रॉम होम टू स्कूल, वो क्या करते हैं घर से स्कूल चलने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, विश्व वॉक फॉर 8 मिनट, विश्व जो है 8 मिनट के लिए चलता है, प्रेम 5 मिनट के लिए चलता है, देन दे केम होम एंड सेट डाउन ऑन एट द कंप्यूटर टू एडिट वीडियो, फिर वो घर की तरफ वापस चलते हैं और कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं और वीडियो को एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे साइमल्टेनियसली लॉन्च विश्व इज वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग, तो विश की वीडियो जो है वो बिगनिंग से चलाते हैं और प्रेम की वीडियो जो है वो एंड से चलाते हैं, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एट द मोमेंट व्हेन इन बोथ वीडियो में ब्रदर्स वर एट द सेम पॉइंट ऑन द पाथ, एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों जो है सेम पाथ पे होते हैं, फिर वो अपनी मर्ज कर देते हैं वीडियो को, प्रेम वीडियो विद विश्व, तो रिजल्ट वाज अ वीडियो विच विश्व वॉक्स फ्रॉम होम टू स्कूल, तो रिजल्ट में जब वीडियो जब चलनी शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, विश्व जो है वो वॉक कर रहा होता है और प्रेम उधर से आ रहा होता है दूसरी साइड से, और एट द सेम पॉइंट सडनली टर्न्स इन टू प्रेम, और फिर एकदम से क्या होता है, प्रेम आ रहा होता है और विश्व जो बाहर जा रहा होता है, एंड वॉक्स होम बैकवर्ड, वो वापिस आ रहा होता है, हाउ लॉन्ग वॉज द एडिटेड फनी वीडियो इन द मिनट्स, बताना आपको जो फनी वीडियो एडिट हुई वो कितने मिनट की थी, तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं बेटा इसमें हमारे को एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं दे रहा था कि उनके होम और उनके स्कूल के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो हम ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि विश्व जो है यहाँ से चलना शुरू करता है और प्रेम जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, और दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में केस में आपकी जो स्पीड है वो प्लस होती है, तो यहाँ से उतना ही टाइम लग रहा है, तो देखो डिस्टेंस तो दे नहीं रखा इसमें, तो हम एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस को, एज्यूम डिस्टेंस, देखो 8 और 5 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 दैट इज 40, तो 40 जो है डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो 40 डिस्टेंस एज्यूम करोगे तो यहां से आप विश्व की स्पीड निकाल लो, विश्व स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो
डिस्टेंस लग रहा है उसको 40, और विश्व को टाइम कितना लग रहा था, 8 मिनट, तो 40/8 ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर मिनट। सपोज करिए आपने 40 मीटर डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, तो उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर मिनट। ऐसे ही विश्व के अलावा प्रेम दे रखा है, तो प्रेम की स्पीड आप निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 40/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर मिनट। तो यहाँ लिख दो 8 मीटर पर मिनट, और विश्व की लिख दो 5 मीटर पर मिनट। तो देखो अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ऑफ 40, दोनों की स्पीड को आप प्लस कर दो, तो 5 मीटर पर मिनट + 8 मीटर पर मिनट, ये आपका मीटर में गिवन है। तो 40/13, ठीक है, और मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा मिनट, तो इसका टाइम आंसर आ जाएगा आपका 40/13 मिनट। देखिए डिस्टेंस मैंने 40 अज्यूम किया, आप कुछ भी कर सकते हो, 40 का मल्टीपल 160 ले सकते हो, 1600 ले सकते हो, बट आपका आंसर सेम ही आएगा 40/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, नताशा कैन प्रिपेयर ग्रीक एंड सीजर सैलेड एंड वानिया कैन प्रिपेयर ग्रीक एंड रशियन सैलेड। तो साशा कैन प्रिपेयर सीजर एंड रशियन सैलेड, देन राइट डाउन द नेम्स ऑफ द गर्ल्स इन अ रो एंड नंबर ऑफ द डिशेज इन द नेक्स्ट रो। वो कह रहा है आपको एक रो में तो उनके नाम लिखने हैं लड़कियों के, और एक रो में लिखना है कि वो कौन कौन से डिश बना सकती हैं। ज्वाइन द गर्ल्स विद द डिशेज, दे कैन कुक विद लाइंस। फिर आपने उसको ज्वाइन कर देना, कैसे, लाइंस की हेल्प से उसको ज्वाइन कर देना। तो देखिए आप लेट कर लेते हैं, पहले पहले नताशा जो है वो ग्रीक बना सकती है और सीजर बना सकती है। ऐसे ही अगर हम वान्या की बात करें, तो वान्या कैन प्रिपेयर ग्रीन एज वेल एज रशियन सैलेड, एंड साशा एक थर्ड गर्ल है, साशा ही कैन प्रिपेयर सीजर सैलेड एंड रशियन सैलेड। तो देखिए उन्होंने बोला कि लाइंस की हेल्प से ना उसको ज्वाइन करिए, तो आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, कि केस 1 ले लेते हैं कि उसमें कौन कौन क्या बना सकता है, फिर उसके बाद ले लेंगे केस 2 कि उसमें कौन क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए एक टेबल मैंने भी वाला क्रिएट कर लिया है यहाँ पे, सेकंड टेबल हम यहाँ पे ले लेंगे, इसके अंदर लाइंस बनाएंगे हम टेबल के लिए, और केस 1 में हम नेम लिखेंगे और उनकी सैलरी, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे, इधर भी नेम एंड सैलरी। बहुत इजी पेपर है ये, बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें। पहले हम इधर नेम लिखेंगे, फिर सैलेड लिख देंगे, बस लाइंस की हेल्प से बस आपको लिख देना। हम लिखेंगे केस 1, यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे लिखेंगे सैलेड, तो नेम एंड सैलेड, ऐसे इधर भी लिखेंगे नेम एंड सैलेड। तो सबसे पहले लिख लेंगे नताशा, फिर लिख लेंगे वान्या, और फिर लिखेंगे साशा। तो नताशा कौन कौन से बना सकती है, ग्रीक, रशियन एंड सेब्रा। तो एक केस हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा केस हम यहाँ पे लिख लेंगे नताशा, सेजर बनाएगी यहाँ पे, वान्या जो है वो ग्रीक सैलेड बनाएगी, और इसके बाद बस बची कौन है हमारी, साशा है, तो साशा दोनों बना सकती है, तो साशा को इस केस में आप रशियन ले लेंगे, तो साशा जो है वो रशियन सैलेड बनाएगा। दिस इज केस नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, हो गया। तो हियर इट इज ओनली 2 सॉल्यूशन, देखिए क्योंकि ये ना दो दो ही सैलेड बना सकती हैं, तो इस केस में बस हमारे 2 ही सॉल्यूशन बनेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर इट हैज ओनली 2 सॉल्यूशंस।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हर रोल मेड अ प्लम पाई टू टेक ऑन अ पिकनिक। यार पिकनिक पे जाता है वो, हेरोल्ड एक पिकनिक पर जाने के लिए एक प्लम पाई बनाता है। ही वॉज एबल टू एट ओनली 3/4 ऑफ द पाई। जो पूरा पाई है उसका वो सिर्फ 3/4 पोर्शन ही खा पाता है, ईट कर पाता है। एंड ही लेफ्ट द रेस्ट फॉर हिज फ्रेंड्स। और बाकी पार्ट जो है वो अपने फ्रेंड्स के लिए छोड़ देता है। एक मूस, अब मूस केम बाय एंड एट 2/3 ऑफ द व्हाट हर्नोल्ड लेफ्ट। हर्नोल्ड ने जितना छोड़ दिया, मूस जो क्या करता है उसका 2/3 पोर्शन जो है वो खा लेता है। आफ्टर दैट पोर्क्यूपाइन पाइन एट 1/3 ऑफ व्हाट ही मूस लेफ्ट बिहाइंड। मूस जितना छोड़ देता है, मूस ने जितना छोड़ दिया उसका 1/3 जो है वो पोर्क्यूपाइन खा लेता है। साही ने खा लिया। साही के जाने के बाद मूस भाई का कितना हिस्सा बचा हुआ था। हाउ मच एज ओरिजिनल पाई स्टिल रिमेन आफ्टर द पोर्कोपाइन लेफ्ट। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट हम लेट कर लेते हैं कि पूरा जो पाई था वो वन था, ठीक है, और जितना वो खा लेगा उसको माइनस कर देंगे। तो लेट द पाई बी वन, पाई को हमने वन लेट कर लिया। हरोल्ड ने कितना खाया पहले वो देख लेते हैं। तो हरोल्ड ईट इज इक्वल टू 1/4, वो 1/4 पोर्शन खाता है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा। देखो तो टोटल में से जो खा लिया उसको माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा आपका 1 - 1/4, दैट इज 4 - 4 - 1, 3/4। तो 3/4 आपका बच गया। अब मूज ने कितना खा लिया, तो मूज 8 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 3/4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 से 3 कैंसल। तो ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। आप देखिए बचा कितना, फिर तो 3/4 बचा था, उसमें से 1/4 तो फिर खा लिया, तो रिमेनिंग कितना आएगा। तो रिमेनिंग आ जाएगा आपका 3/4 - 1/4, 4 LCM, 3 - 1, 2/4। कट कर देंगे, 2 - 1 = 2, 2 = 4, 1/2 अभी भी बचा है। अब पोर्कुपाइन की बारी आती है। पोर्कुपाइन कितना खा रहा है, पोर्कुपाइन 8, 1/3 किसका, 1/3 रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग है 1/2। तो 1/3 × 1/2, ये देखो उसने बोला था ना 1/3 खाता है वो, तो 1/6 खा लेगा। अब रिमेनिंग कितना होगा, देखो मैं रिमेनिंग इधर लिख रही, तो ये 1/2 था, 1/2 में से अब 1/6 फिर खा लिया, तो बचा कितना 6। तो 2 × 3 = 6, 3 - 1, 2/6। तो इसका आंसर आएगा आपका 1/3। तो जब पोर्कुपाइन आफ्टर पोर्कुपाइन लेफ्ट, जब पोर्कुपाइन ने छोड़ा था तो कितना बचा, 1/3। तो इसका आंसर आएगा आपका पोर्कुपाइन लेफ्ट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पाई। जितना पाई टोटल था उसका 1/3 बच गया जब पोर्कुपाइन ने खाना छोड़ दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड हियर विद द पार्ट ए, एंद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप द पार्ट बी। थैंक यू स्टूडेंट्स, योर पेपर हैज गोन वेरी नाइसली एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। नेक्स्ट टू द पार्ट 34 आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे इसका, कि अगर हमें जो गिवन है वो प्राइम नंबर है, तो उसकी हेल्प से हम 4 raised to the power 9 का यूज करते हुए, प्लस 6 raised to the power 10, प्लस 3 raised to the power 20 का यूज करते हुए, इस रिजल्ट का यूज करके हम 20 raised to the power 100 - 17 raised to the power
35, 4 का आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको लेट करेंगे पहले, 4 raised to the power 9 +6 raised to the power 10 +3 raised to the power 20 है ये आपके पास। दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2 raised to the power 9। ऐसे 6 raised to the power 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 10 into 3 raised to the power 10 +3 raised to the power 10 का स्क्वायर करें तो ये 3 raised to the power 20 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी पता चल रही होगी। हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं 2 into a into b वाला, तो 2 raised to the power 9 अगर हम अंदर ले लें, ये आ जाएगा आपका 2 बार ऐसे 3 raised to the power 10 का होल स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ पे भी 2 raised to the power 9 बनानी है, तो हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, तो 2 into 2 raised to the power 9 लिख सकते हैं इसको, into 3 raised to the power 10। तो ये अब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into a into b होता है हमारा। ये आपका होल स्क्वायर बन गया किसका, 2 raised to the power 9 +3 raised to the power 10। तो और ये तो हमें क्या ही रखा था कि दिस इज नॉट अ, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये किसका 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसका स्क्वायर आ चुका है। तो स्क्वायर क्या होता है, जैसे 7 का स्क्वायर अगर मैं 49 की बात करूं, तो 49 क्या है, 7 के टेबल पे भी आ जाएगा, 1 के टेबल पे भी आ जाएगा और 7 के टेबल पे भी आ जाएगा। तो 1, 7, 49 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो जिसके 3 फैक्टर हो जाते हैं वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिमिलरली आपको सॉल्व करना है 20 raised to the power 100 माइनस 17 raised to the power 34। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 50 लिख सकते हैं, क्योंकि तो 20 raised to the power 50 -17 raised to the power 17 ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे भी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका आ जाएगा 2 20 raised to the power 50 -17 raised to the power 17, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इसका आंसर आएगा दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स, जिसके दो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं इसके। इसका मतलब 1 भी उसका फैक्टर होगा, 2 फैक्टर उसके हमें और मिल गए, तो टोटल उसके कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए।
तो जिसके थ्री फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो दो फैक्टर तो हमारे ये वाले मिल गए और एक उसका फैक्टर हो जाएगा वन, क्योंकि ईच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर प्रॉपरली। अनन्या किसी डेट को खूबसूरत तब कहती है जब उसके रिकॉर्ड के सभी 6 अंक अलग अलग हों। उदाहरण के लिए 04 19, 06 8, 6 जनवरी 2023, 6 जनवरी 2023 में देखिए, जैसे आपको डिजिट रिपीट कितनी मिल जा रही है यहाँ पे। तो अन्य किसी डेट को वह खूबसूरत तब कहती है जब रिकॉर्ड के 6 डिजिट अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर 4 19 2023 एक खूबसूरत तारीख है, लेकिन 2 19 23 और 6 1 23 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटिशन हो रहा है, तो जिस भी वैल्यू का रिपीटिशन होगा वो उसको ब्यूटीफुल डेट नहीं कहती है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी ब्यूटीफुल डेट्स विल बी देयर इन अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 में कौन कौन सी ऐसी डेट होंगी जो ब्यूटीफुल होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल कौन है जिसमें डिजिट रिपीट ना हो। तो देखिए अप्रैल के मंथ में हम क्या लिखेंगे, मंथ को तो लिखेंगे 04 और ईयर को हम लिखने वाले हैं 23। तो हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर ना तो 0 आए, ना 4 आए, ना 2 आए, ना 3 आए। तो कौन सी ऐसी होगी डेट, 15 से स्टार्ट हो जाएगी। देखो अगर 14 तक तो आएगा नहीं, अगर मैं 14 लेती हूँ तो 4 आएगा, और 12 11 कुछ भी लेते हैं तो हमारा 2 और 3 रिपीट होने वाला है वहां पे, और 0 भी रिपीट हो सकता है 10 से कम वाली वैल्यू में। तो 15 अप्रैल 2023 ये हमारी फर्स्ट डेट हो जाएगी जो कि ब्यूटीफुल होगी। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगी 16 04 23, तो ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट आ जाएगी ब्यूटीफुल डेट 16 अप्रैल 23। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ जाएगी 17 अप्रैल। फिर आपकी आ जाएगी यहाँ पे 18 अप्रैल, 18 4 23। फिर 19 आ जाएगी, फिर 19 के बाद क्यों नहीं आ सकती, देखो 20 20 में ये 2 रिपीट होने लग जाएगा, यहाँ से 21 22 23 कोई भी नहीं आ पाएगी। तो हमारे पास ओनली 5 डेट्स ऐसी हैं जो कि ब्यूटीफुल होंगी इन वन मंथ, ब्यूटीफुल इन वन मंथ। इसका आंसर आएगा आपका हाउ मेनी ब्यूटीफुल डेट्स विल बी देयर इन अप्रैल। तो अप्रैल में कितने ब्यूटीफुल डेट्स होंगे, 5। तो ए ऑप्शन का आंसर आ जाएगा आपका 5। बी ऑप्शन में आपसे पूछा है हाउ मेनी ब्यूटीफुल डेट्स आर देयर इन 2023, पूरे 2023 के मंथ में कितनी ब्यूटीफुल डेट्स होंगी। तो हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। देखिए यहाँ पे मंथ जो है वो 01 चलेगा, तो इसका मतलब कोई भी जनवरी में आपकी डेट जो है वो ब्यूटीफुल नहीं होगी, क्योंकि डिजिट्स आपकी रिपीट होंगी, जनवरी आपका फर्स्ट मंथ है। तो जनवरी में जो डेट्स आएंगी वो 1 से लेके 31 तक डेज होते हैं, तो वो तो इसमें नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 04 भी लूँ तो वो भी आपकी 0 रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर जनवरी के अंदर कोई भी डेट जो है आपकी ब्यूटीफुल नहीं होगी। ऐसे फरवरी में भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मंथ जो है 02 आ जाएगा, तो 2 फिर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये देखो। तो ईयर वाइज आपका 2 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो फरवरी और मार्च तीनों में नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर वाला है आपका मंथ वाली वैल्यू वो रिपीट होगी। तो फरवरी में भी कोई नहीं आएगा, मार्च में भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये 02 होगा और ये 03 होगा। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में नहीं आएगा, क्योंकि ये होता है आपका 10 11 और 12।
तो देखिए यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो इनमें भी नहीं आएगी। अप्रैल में अभी आपने बोली थी ब्यूटीफुल डेट्स कितनी आएंगी, 5। तो ऐसे मई के मंथ में भी 5 आएंगी, जून में भी 5, जुलाई में भी 5, अगस्त में भी 5 और सितंबर में भी। देखिए शुरू के 3 मंथ में कोई भी ब्यूटीफुल डेट नहीं मिलेगी और लास्ट के 3 मंथ में भी आपको कोई ब्यूटीफुल डेट नहीं मिलेगी। तो ब्यूटीफुल डेट कहाँ मिलेंगी, जो सेंटर के आपके 6 मंथ्स होंगे, आप चेक कर सकते हो अपना वैल्यू बना के। तो देखिए 1 मंथ में आपके पास 5 ब्यूटीफुल डेट्स होती हैं, तो 6 मंथ में कितने हो जाएंगी, 6 × 5 30। तो बी ऑप्शन का आपका आंसर आ जाएगा 30, फर्स्ट का आंसर आएगा 5, अगर 1 मंथ में बात करें तो 5, पूरे ईयर में बात करें तो 30 ब्यूटीफुल डेट्स विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आपको, वसंत सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 15 डेज। वसंत ने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया 15 डेज के लिए, एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम एवरी डे। कि वो 1 प्रॉब्लम, तो एक दिन में एक प्रॉब्लम तो वो सॉल्व करता ही करता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट फर्स्ट डे पे छोड़कर बाकी सारे दिन में उफ द वेदर वाज क्लाउडी। अगर तो वेदर क्लाउडी था, ही सोल्ड 1 मोर प्रॉब्लम देन द प्रीवियस डे। तो पिछले दिन से वो एक प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करेगा, अगर तो वेदर वाला डे होगा, क्लाउडी होगा। अगर वेदर आपका सनी होगा, इफ इट वाज सनी ही सोल्ड 1 लेस प्रॉब्लम। इन द फर्स्ट 9 डेज वसंत सोल्व 13 प्रॉब्लम्स। कह रहे शुरू के 9 दिनों में वसंत ने 13 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज वेदर लाइक ऑन द 10th डे। बताना है कि 10th डे पे वेदर कैसा था, मतलब सनी था या क्लाउडी था। देखिए इसमें दो ही केसेस आपके बन रहे हैं, या तो वेदर क्लाउडी है या वेदर सनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स है वो क्लाउडी वेदर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो, तो लेट एक्स क्वेश्चन विल बी सॉल्व ऑन, एक्स क्वेश्चन सॉल्व ऑन क्लाउडी वेदर एंड वाई क्वेश्चन वर सॉल्व ऑन सनी वेदर। ये हमने एज्यूम कर लिया इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में टोटल क्या बोला है कि उसने जो प्रॉब्लम है वो 15 डेज के लिए सॉल्व की है, और टोटल डेज आपके 15 है यहाँ पे, तो टोटल प्रॉब्लम्स कितनी, 9। फर्स्ट 9 डेज के लिए है, ही सॉल्व 1 लेस प्रॉब्लम इन द फर्स्ट 9 डेज। ऐसे वो 9 दिन तक ऐसा करता है कि जैसे एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम है। तो फर्स्ट डे पे क्या होगा, देखो फर्स्ट डे पे तो उसको एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी करनी है, एक्सेप्ट फर्स्ट बोला था उन्होंने, तो फर्स्ट को तो आप छोड़ दोगे, बाकी आप 9 डेज और ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फर्स्ट डे तो एक्सेप्ट कर दिया हमने, बाकी 2 3 4 2 से लेकर 10 तक जो 9 डेज हैं उसमें वो ये वाला रूल यूज करेगा। तो देखिए पहले दिन उसने 1 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अब नेक्स्ट डे उससे ज्यादा सॉल्व करेगा तो 2 सॉल्व कर लेगा, यहाँ पे फिर एक कम, फिर 1, फिर एक ज्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज्यादा, ऐसे सॉल्व करेगा। तो पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, ठीक है। तो 10th डे पे क्या हुआ, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डिड ही सॉल्व दैट डे। तो ही सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स ऑन द दैट डे। इसका आंसर आ जाएगा आपको 2। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट को इसका है पार्ट आपका, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स वसंत कुड सॉल्व ऑन 15th डे। कि ज्यादा से ज्यादा, देखो 9 डेज तक तो वो ये वाला रूल यूज करता है, लेकिन 9 डेज के बाद ये वाला रूल यूज करता है, फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी सॉल्व कर सकता है। तो 11 12 13 14 15 डेज तक वो, देखो पहले उसने 2 की, फिर उसके बाद वो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 6 7, तो मैक्सिमम वो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, 7। तो 15th डे पर वो मैक्सिमम 7 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस रूल का यूज नहीं भी करते, आप ऐसे भी लेते हो कि 1 फर्स्ट डे पे 1 प्रॉब्लम करे, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12,
13, फिर 14 और फिर 15। तो इसका आंसर आएगा आपका 7। तो भी आपकी 15th डे पे कितनी आती है? 7 प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें आपको ए बी जो है इक्वल गिवन है किसके? बी सी के। देखो अगर दो साइड्स इक्वल है, ए बी अगर बी सी के इक्वल है, तो आपका अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो उससे आप ये वाला लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल है आपकी, इसमें आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्लियर, ये आपका ए है यहाँ पे और ये आपका के है, ये एल आ जाएगा यहाँ से। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ए एस के, ये आपका एस है यहाँ पे, तो आपने ज्वाइन करना है। इसमें आपको हिंट दे रखा है कि के को आप एस से ज्वाइन करो। तो जब आप के को एस से ज्वाइन करोगे तो के एस साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ड्रा कंस्ट्रक्शन लाइन के एस एंड एनालाइज द ट्रायंगल के एस एन एंड के एस ए। उन्होंने खुद बोल रखा है कि आप क्या करो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो, के को एस से ज्वाइन करो। तो मैंने यहाँ पे के को एस से ज्वाइन कर दिया और के एस एल और के एस ए ट्रायंगल की आपकी कॉन्ग्रेंसी बनेगी, और क्वेश्चन में लिख रखा है कि कॉन्ग्रेंट होंगी दोनों ट्रायंगल्स। उनकी कॉन्ग्रेंसी हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्रायंगल ए एस के है दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एस एल के आल्सो। कैसे कॉन्ग्रेंट होगी? देखो कॉन्ग्रेंट के लिए के एस हमारा दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं के एस इज इक्वल टू कॉमन एंड ए के इज इक्वल टू के एल। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एल एस जो है वो एस ए के इक्वल गिवन है। ये जो आपको लाइंस लगा के गिवन है, ये क्या गिवन है? इक्वल साइड से है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो क्या होगा? दो साइड इसकी इक्वल होंगी, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स तो क्या होंगे आपके? इक्वल। तो आप उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हो, और ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट। अब देखिए बेटा यहाँ पे कि जो स्केयर होता है उसके सारे एंगल क्या होते हैं हमारे? 90 डिग्री के। तो ये एंगल भी आपका 90, ये भी आपका 90, ये वाला भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं यहां से ये लिखूं तो ये 90 आपका, देखो पूरा एंगल 90 था, अगर इस हाफ एंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 8। ऐसे ये ऊपर वाला आपका हाफ एंगल हो जाएगा 90 माइनस 8। और यहाँ पे आपका ये 90 माइनस 8 है, ये भी 90 माइनस 8 है, तो ये आपके दोनों एंगल्स हो जाएंगे यहाँ से। जब आप के को एस से ज्वाइन करोगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये दो एंगल्स जो हैं स्केयर के हैं और इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करिए तो 45 45 के हो जाएंगे ये, और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अब इधर भी ऐसे ये वाला एंगल 45 डिग्री और इसके ऊपर वाला भी 45 डिग्री, ऐसे ये भी नीचे वाला 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो ये सारे एंगल क्या है? 45 45 के हैं। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? एंगल एस एल बी निकालना है आपको, तो एस एल बी, अच्छा तो ये रहा आपका एस एल बी। अच्छा देखिए ये आपका एस, ये आपका एल और ये आपका बी, यानी आपको एल वाला एंगल निकालना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि एल जो है यहाँ पे एक पूरी ट्रायंगल बनेगी जब हम इसमें के को ऐसे ज्वाइन करेंगे, दो तीन लाइन में भी ज्वाइन कर सकते हो आप इसको। तो दो एंगल्स का सम होगा ये एल वाला, एक एंगल आपका ए, दूसरा आपका 90 माइनस 8। तो ए से आपका ए कैंसल और ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल एस एल बी विल बी 90 डिग्री। या आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि ये 45 था, ये भी आपका 45 था, ये हाफ एंगल आपका, ये भी 45 था, तो दो एंगल यहाँ पे जो बनेंगे उन दोनों को भी कितने बनेंगे? 45 45, तो वहां से दोनों का सम आपका 90 डिग्री। पहले आपको वही कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी पड़ेगी तो इससे पहले बताइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, दो ट्रायंगल हैं आपकी, दीज आर लोकेटेड इन साइड अ स्फीयर एज शोन इन द फिगर। फिगर में बता रखा है आपको, देखिए आपको ना यहाँ पे एक लाइन लगा के दे रखी है कि ये वाली जो डबल लाइन वाली साइड है ये डबल वाली लाइन की साइड के इक्वल है, तो ये एंगल आपका इक्वल है, ऐसे ये वाला और ये वाला, तो इन सबको आप एक्स ऐड कर सकते हो, ये आपका एक्स हो गया, ये भी आपका एक्स, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका एक्स हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एम के अराउंड आपको जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल्स अराउंड एम, सम ऑफ एंगल्स लिख लो, सम ऑफ एंगल्स अराउंड एम विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि सर्कल का रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है और एंगल्स अराउंड द सेम पॉइंट, आपको पता है ये प्रॉपर्टी है ये कि ये एंगल जो है 360 के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए ये आपका कितना है एक्स, ठीक है ये भी आपका कितना है एक्स, तो यहाँ से आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक आपका एक्स एक आपका एक्स, तो अगर हम 180 में से इसको माइनस कर दें तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। देखो फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल को माइनस कर दें तो एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 2x, तो यहाँ से आपका ये एम के ऊपर जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 2x। ऐसे ही आप ये वाली ट्रायंगल को लोगे, ये एंगल आपका एक्स है ये भी एंगल आपका एक्स है, तो इधर जो एंगल बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो भी कितना आ जाएगा 180 माइनस 2x। अब देखो ये वाले तीन एंगल्स का सम कितना होता है, मैंने बताया 360 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर दें और 360 में से माइनस कर दें तो हमारा एंगल निकल जाएगा, तो तीसरा एंगल आपका ये आपका एक्स है ये भी आपका एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, तो जो 180 माइनस 2x है इसको आप ए लेट कर लो, तो तीन एंगल्स जो भी बन रहे हैं ए प्लस ए प्लस ए उन सबका सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री, तो 3a इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 यानी 120 डिग्री, तो एक एंगल जो आपसे पूछ रहा है 120 माइनस 2x दैट इज 120 डिग्री, तो तीनों एंगल्स निकालने थे उनके, तो 120 ऐसे ये वाला 120 ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, टू सम्स आर रिटन ऑन द बोर्ड, कह रहा बोर्ड के ऊपर ना दो सम लिखे हैं ये और ये, आपको क्या बताना है, डिटरमाइन विच वन इज ग्रेटर एज दे आर इक्वल और दे आर इक्वल, आपको बताना है कि क्या कौन सा ग्रेटर होगा सम या इक्वल होंगे दोनों। हिंट क्या बता रखा है, राइट द टू सम्स नीटली एज यू वुड व्हाइल एडिंग देम बाय ब्रूट फोर्स। देखिए ब्रूट फोर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कि जिसमें आपको इजी लगे। देखिए मुझे ऐड तो सबको ही करना है, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं ये, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 99999 है, तो ये 99 करोड़ में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो ये 100 करोड़ बन जाएगा, मतलब मेरा सम इजी हो जाएगा। आप इसको सिंपली भी ऐड कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, बट ब्रूट फोर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इसका यूज करके क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, तो आप सबको ऐड करेंगे, देखिए जो 22 है हम इसके अंदर ऐड करेंगे और जो ये 7 वाली वैल्यू है ये हम 333 ऐड कर देंगे इसमें, हर बार जो है ना ये आपकी एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, फर्स्ट टाइम आपका 1 आया, फिर अगली बार 2 टाइम्स 2 आया, फिर 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्4, 5 टाइम्स 5, 6 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 7, तो आप क्या कर सकते हैं 99 करोड़ में जब आप 1 करोड़ को ऐड करोगे तो आपका 100 करोड़ आ जाएगा। ऐसे ही आप ये देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम्स आपका 8 है, इसके अंदर आप 22 ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप इसके अंदर 22 ऐड करोगे तो 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 8 8 8 8 8, ऐसे आपने सबको ऐड कर लेना इजी करने के लिए अपनी,
तो जब आप इन सबको ऐड करोगे, आप सिंपल भी ऐड कर सकते हो अगर आपने ब्रूट फोर्स का यूज नहीं करना, तो इन सब का जो सम आएगा वो आपका, और आप दूसरी बात ये भी चेक कर सकते हो, देखो 1 प्लस 9 आपका कितना है, 10, ऐसे 92 प्लस 22 करोगे ये आपका आ जाएगा 120, फिर आपका आ जाएगा 1 2 3 0, तो ये आपका चलता ही रहता है ऐसे, ये एक पैटर्न बनता है आपका, और आप जब दोनों का सम करोगे ना तो दोनों का सम आपका इक्वल आएगा। इनको सिंपल आपको ऐड ही करना था वैसे तो, अगर आप ब्रूट फोर्स प्रॉपर्टी नहीं भी लगाते तब भी आप सिंपल ऐड करके भी आंसर कर सकते हो, तो ये 3 के मार्क्स थे आपके ये वाले क्वेश्चन में, अच्छा सबको ऐड करेंगे 1097393685 आ जाएगा आपका, क्योंकि 100 करोड़ तो आपको यहीं से मिल जाएगा, और 88 के बाद आपका ये 22 ऐड होगा, तो 88 करोड़ समथिंग यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी आपको ऐसे 7 करोड़ समथिंग 66 लाख मिल जाएगा, फिर 5 लाख मिल जाएगा, फिर 4000 के आसपास, फिर 300 के आसपास, फिर 20, फिर 1, तो ऐसे आप जब सबको ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा, तो आप आंसर में लिख भी सकते हो कि फ्रॉम बोथ दे आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक पजल टाइप में आपको दे रखा है, लिंडा रोट डाउन द सेम नेम ऑफ हर टाउन एंड ऑल इट्स साइक्लिकल शिफ्ट ऑफ द लेटर्स इन अ लाइन। क्या करती है कि वो अपने टाउन का नेम लिखती है, तो टाउन का नेम लिखने के बाद वो क्या करती है, लेटर्स को शिफ्ट करती है, जैसे PUDUNK है, PODUNK, तो लेटर्स को देखो कैसे शिफ्ट करती है, उसका पैटर्न बता रही हूँ मैं आपको, K को वो आगे ले आएगी, फिर सबको ऐसे लिख देगी PODUN, अब N को आगे ले आए हम, फिर सबको ऐसे लिख देंगे KPODU, फिर हम U को आगे ले आए NKPOD, फिर D को आगे ले आए फिर UNKPO, फिर O को आगे ले आए, यहां से आपको क्या मिलेगा, अच्छा डी यहाँ पे चला जाएगा, यू यहाँ पे, एन यहाँ पे, के यहाँ पे और पी यहाँ पे, ठीक है, अब पी दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो रिपीटेशन स्टार्ट होगी, अब हम स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, आगे देखिए रीड करेंगे, शी देन कंसीडर्ड द दीज लाइन अल्फाबेटिकली टू मेक द अनदर टेबल, फिर उसने इस लाइन को अल्फाबेटिकली लिखने के बाद इसको अरेंज किया उसने, और उसको ना एक लेटर मिला उसमें से, वर्ड क्या मिला उसको, ONUTKD, यहाँ पे देखिए लिखा है आपका, ओ चाहिए उसको, अच्छा ONUPKD, इसके लिए देखिए हमें कैसे अरेंज करना पड़ेगा, अगर मुझे ओ लास्ट में चाहिए तो ओ लास्ट में चला गया, बाकी सबको मैं सिंपल लिख सकती हूँ ना, ओ को हमने लास्ट में अरेंज कर दिया, ऐसे हमने एन को लास्ट में अरेंज किया, यू को लास्ट में अरेंज किया, फिर टी को लास्ट में अरेंज किया, और के को और डी को, अल्फाबेटिकली उसने इसको लिख दिया, तो कैसे लिखा देखो, डी, डी के बाद क्या आएगा आपका, अच्छा डी, ऐसे यू लिया उसने, एन, के, फिर पी, आगे फिर डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर एक के एल एम एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू आर एस टी यू, तो इसने ये जो फर्स्ट लेटर था ना यहाँ वाला, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ऐसा करने के बाद बाकी सारे लेटर्स को वो सेम लिख देती है, देखिए उसने डी को पहले लिख दिया, अब बाकी सबको ऐसे लिख देगी, फिर के को ऐसे लिखा, एन को लास्ट में ले गए, तो बाकी सबको ऐसे लिख देगी, तो उसने लिख दिया के, फिर उसके बाद पी, फिर ओ, ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो डी यू एन, ऐसे इसमें लिखा उन्होंने एन के पी
ओ डी यू, यहां से लिख सकते हो आप। ये देखो, अगर डी से स्टार्ट करना है तो कौन सा आएगा, ये वाला। के से स्टार्ट करना है तो ये वाला, एन से स्टार्ट करना है तो ये वाला, ओ से स्टार्ट करना है तो ये लिखना पड़ेगा, ओ डी यू एन के टी। ये एक टाइप की आपकी पजल है, जैसे आप रीजनिंग में सोल्व करते हो। पी से स्टार्ट करना है तो ये वाला लिखना पड़ेगा, तो पी ओ डी यू एन के। ऐसे आपने यू से स्टार्ट करना है तो यू से कौन सा लिखना पड़ेगा, ये वाला, तो आप लिखोगे यू एन के पी ओ डी। तो ये आपका पैटर्न हो गया देखो, ठीक है। पहले आपने ये वर्ड लिखा, फिर वर्ड से आप एक लेटर लेफ्ट में लाते रहे, बाकी पूरे को ऐसे लिख देंगे, फिर लेटर लेफ्ट में ले आएंगे लास्ट वाला, फिर ऐसे लिख देंगे, फिर इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि पहले ये डी से स्टार्ट हो रहा है, फिर के से स्टार्ट हो रहा है, फिर एन से, फिर ओ से, फिर पी से एंड फिर यू से। तो ऐसे ही सेम आपने कर लेना किसका, जो वर्ड आपको दे रहा है, दैट वर्ड इज एम पी टी एल ए आर ए ई के आई एंड एस। बिल्कुल सेम पैटर्न से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है गेम बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द 64 स्क्वेयर्स दैट अल्टरनेट इन कलर ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए, जैसे आपने चेस का बोर्ड देखा होगा कि एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट, ऐसे इसके अंदर ना 64 स्क्वेयर्स आपके बने हुए हैं पजल की फॉर्म में। ऐसे आप घर पे भी इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे हम पहले क्वेश्चन को, तो इसमें आपको क्या बोल रखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट है और फिगर गिवन बिलो शोज द पी इज अ बॉटम रो एंड स्क्वेयर क्यू इज द टॉप रो। कि जो क्यू है वो टॉप वाली रो है और पी जो है वो सबसे लास्ट वाली रो है। तो ये आपकी पी आ गई और ये क्यू जो है आपकी सबसे बॉटम वाली आ जाएगी। और मार्कर इज प्लेस्ड एट पी, फिर पी पे हम एक मार्कर रखते हैं। ये देखिए, अच्छा ये दे रखा है आपको पी और ये आपको दे रखा है क्यू। देखिए, हम अपनी तरफ से नहीं मेंशन कर रहे हैं, उन्होंने कर रखा है बीच में मेंशन, तो वहीं से ले लेंगे। ये आपका पी गिवन है, यहां से आपको स्टार्ट करना है और क्यू तक आपको जाना है। तो देखिए, जब आप पी से जाना स्टार्ट करेंगे, स्टेप कंसिस्ट ऑफ मूविंग द सेंटर ऑन टू वन दैट ज्वाइनिंग द स्क्वेयर्स ऑन द रो अबव, हाउ मेनी सेवन स्टेप पाथ्स आर देयर। पी से क्यू तक जाना है और सात स्टेप का रास्ता आपका कौन सा बनेगा। तो देखिए, हम यहाँ से वन स्क्वेयर से स्टार्ट करेंगे, तो ये वन हो गया। अब इसके साथ वाला भी, यहाँ वाला वन और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वन। तो वन वन और फिर मिलके वन वन क्या हो जाएगा, ये टू। अब देखिए, वन के साथ में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी वन, और वन के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी वन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन प्लस वन, ये आपका सेंटर में आ जाएगा टू, और इसके साइड में भी कुछ नहीं है तो इसको वापस फिर वन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम गए नहीं अभी, यहाँ पे भी वन लिख देंगे। अब टू प्लस वन यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप थ्री लिख दो, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का सामना आ जाएगा, तो वन प्लस टू थ्री। ऐसे ये टू प्लस वन, इधर भी क्या आ जाएगा आपका थ्री। अब देखिए, थ्री के साइड में कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं मिला तो इसको भी थ्री, और इसके थ्री के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है तो क्या है थ्री। तो थ्री प्लस थ्री सेंटर में आ जाएगा सिक्स। देखो, फिर सिक्स प्लस थ्री सेंटर में आ जाएगा नाइन, अगर सेंटर में होता है तब आता है, नहीं तो नहीं। सिक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी क्या आ जाएगा नाइन। अब नाइन के पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके साइड पे भी क्या आ जाएगा नाइन। और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा नाइन, क्योंकि नाइन के साइड में कुछ नहीं है। अब नाइन प्लस नाइन सेंटर में क्या आ जाएगा एटीन। अब 18 प्लस 9 सेंटर में क्या है पी क्यू, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 27। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 27। तो देखो, सेवन स्टेप्स बन गए आपके, वन टू थ्री, ये आपका फोर्थ स्टेप, ये आपका फिफ्थ स्टेप, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो सेवन स्टेप्स के बाद रास्ते पे चले और आप कहाँ पे पहुंच गए, क्यू पॉइंट पे। तो क्यू पॉइंट पे क्या मिल रहा है आपको 27। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन।
सेवन स्टेप आपका वे हो गया, इसका आंसर आएगा आपका 27। आप इसको परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वेज तो आपके बनेंगे PC3। सेवन स्टेप्स में बनाना है तो सेवन सेवन सी थ्री कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, 7C3। तो टोटल स्टेप्स तो आपके बन जाएंगे इसके 35। फिर 35 में से कुछ आपके रॉन्ग स्टेप्स होंगे तो उसको आप माइनस कर देंगे। जैसे देखो इसमें हम कितना लेफ्ट जा सकते हैं, वन, फिर लेफ्ट वन, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो ऐसे हम गए, तो हम क्यू तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपका सेवन स्टेप है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है स्पाइडर मूव अ एक स्पाइडर जो है जाल, अच्छा मकड़ी जो है एक जाल बुनती है, एंड 12 ऑफ इट्स नोट को अ फ्लाई और मॉस्किटो। जो इसके नोट होते हैं, जो धागे होते हैं जिससे वो जाल बुनती है, उसमें या तो मॉस्किटो आ जाता है या फिर कोई फ्लाई आ जाती है। ये क्वेश्चन में बता रखा है, स्पाइडर वोव लिखा है यहाँ पे, वोव आ जाएगा। स्पाइडर वोव अ वेब एंड ऑल 12 ऑफ इट्स नोट कैन कोट अ फ्लाई और अ मॉस्किटो, कि या तो फ्लाई आती है या मॉस्किटो आती है। इन दिस केस ईच इंसेक्ट टर्न आउट टू बी कनेक्टेड बाय अ पीस ऑफ वेब टू एग्जैक्टली टू मॉस्किटोस। कह रहा है कि दो मॉस्किटो से तो कनेक्ट होनी चाहिए फ्लाई। ड्रा एन एग्जाम्पल हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। वो कह रहा है जैसे ये मकड़ी का जाला है इसने बना रखा है, इस स्पाइडर वेब में आपने फ्लाई और मॉस्किटो को लेके दिखाना है, पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि आप फ्लाई को एफ ले लो और मॉस्किटो को आप एम ले लो। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो एक फ्लाई को ना आपने दो मॉस्किटो को तो कनेक्ट करना ही करना है। तो यहाँ पे आप अगर पहले आप यहाँ से फ्लाई से शुरू कर लो, ठीक है, तो ये आपके फ्लाई, इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका मॉस्किटो, फिर राइट में भी क्या आ जाएगा मॉस्किटो। अब मॉस्किटो तो आ गया, फिर किससे आएगा ये फ्लाई, फिर मॉस्किटो, फिर फ्लाई, ठीक है जी। तो एक फ्लाई एक मॉस्किटो, एक फ्लाई एक मॉस्किटो, एक फ्लाई एक मॉस्किटो, हमने ऐसे ले लिया। अब देखो एक फ्लाई इधर से मॉस्किटो से कनेक्ट है, ये इधर से मॉस्किटो से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब इधर भी क्या आएगा उसके पास, मॉस्किटो, इधर फ्लाई, अब फ्लाई किससे कनेक्ट होगी मॉस्किटो से, फिर मॉस्किटो आ गया, अब क्या आएगा फ्लाई, फिर आएगा मॉस्किटो, फिर आएगा फ्लाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, अच्छा फिगर ड्रॉ करके दिखानी थी, तो फिगर आपने ड्रॉ करके दिखा दी, एफ एम एफ एम। आप चेक कर सकते हो, आप किसी भी फ्लाई को चेक कर लो, वो टू मॉस्किटो से जरूर कनेक्टेड है, टू से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट टू से तो कनेक्टेड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नाइट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कह रहा एक शूरवीर जो है वो हमेशा सच बोलता है, ए लायर ऑलवेज लाइज, और झूठ बोलने वाला जो है वो हमेशा झूठ बोलता है। शूरवीर हमेशा सच बोलता है, झूठा व्यक्ति सदैव झूठ बोलता है। अब देखो हमारे पास है टू नाइट्स एंड टू लायर्स आर गैदर्ड टुगेदर। अब दो झूठ बोलने वाले, दो शूरवीर और दो झूठ बोलने वाले दोनों इकट्ठे हो गए। कह रहे कुड एनी ऑफ देम से द फॉलोइंग फ्रेजेस, क्या उनमें से कोई व्यक्ति ये वाली लाइन बोल सकता है, ये जो फ्रेज इन्होंने दी है। चलिए फर्स्ट है ऑल ऑफ अस आर नाइट्स, वो कह रहे हम सभी शूरवीर हैं। देखो दो झूठ बोलने वाले हैं, वो तो सब में साथ देंगे ना, वो कभी झूठ बोलने वाला ये नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो फिर भी यही कहेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसकी तो लायर की तो कोई भी स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। तो लायर कैन ऑल्सो से ऑल ऑफ अस आर नाइट्स, कि हम सभी शूरवीर हैं, तो यस दे कैन स्पीक। आगे है आपका सेकंड, देयर इज एग्जैक्टली वन नाइट अमंगस्ट यू। कह रहा तुम्हारे बीच बिल्कुल एक ही शूरवीर है,
देखिए झूठे जो लोग हैं बीच में, लायर्स हैं जो दो, वो कुछ भी स्टेटमेंट बोलेंगे तो आपको उनको ट्रू लेके चलना है। तो देयर इज एग्जैक्टली वन नाइट अमंगस्ट यू, वो कह रहा है आप में से सिर्फ एक ही शूरवीर है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलना तो झूठ बोल रहा है। तो यस दे कैन से अमंगस्ट यू देयर आर मोर नाइट्स देन लायर्स, तो कह रहा है तुम्हारे बीच में झूठ बोलने वालों से ज्यादा शूरवीर है। वो ऐसे बोल रहा है क्यों? क्योंकि जो लायर्स हैं वो अपने आप को यही प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम भी जो हैं वो हम भी नाइट हैं, हम भी मतलब शूरवीर हैं, क्योंकि वो लायर है, वो तो झूठ बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इफ एनीवन कुड दे इंडिकेट एवरीवन हु कुड एंड एक्सप्लेन व्हाई ही कुड से दैट, तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है साथ में, जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ आपको लिख के एक्सप्लेन करना है। यस बिकॉज देयर आर टू लायर्स एंड दे कैन एडमिट दैट दे आर ऑल्सो नाइट, सो दे कैन से दैट कि ओनली अमंगस्ट यू देयर आर मोर नाइट्स देन लायर्स। और कौन बोलेगा ऐसा? ऐसा बोलेंगे लायर्स। ठीक है, तो इसका तीनों का आंसर आपका यस आ जाएगा। बिकॉज देयर आर लायर्स अमंग देम, तो दे कैन से एवरीथिंग एंड देयर एवरी स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनकी कोई भी स्टेटमेंट आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उनकी स्टेटमेंट भी क्या होगी? झूठी होगी। तो होप सो स्टूडेंट्स योर एग्जाम वाज गोन वेल एंड माय बेस्ट विशेस। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।